एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से ही एक्शन में है। एजेंसी लगातार बॉलीवुड हस्तियों के यहाँ छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में आज यानी सोमवार को अर्जुन रामपाल के घर छापेमारी की। एनसीबी के अधिकारी छापेमारी के लिए रामपाल के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पहुंचे थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी ने पिछले महीने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेबियला के भाई अगिसिलियाउस डेमेड्रियट्स को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके पास से हशीश और अल्प्राजोलम की टैबलेट्स मिली थी। ये दोनों ही चीजें नारकोटिक्स की तरफ से प्रतिबंधित हैं। अगिसिलियाउस का कनेक्शन ओमेगा गोडविन नाम के व्यक्ति से बताया गया था, जो मुंबई में कोकीन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। इससे पहले 8 नवंबर को एनसीबी ने बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को भी गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही फिरोज को एनसीबी ने समन भी भेजा है। इससे पहले छापेमारी में एनसीबी की टीम ने फिरोज के घर से ड्रग्स बरामद किया था। बता दें, फिरोज के घर पर एनसीबी के सर्च ऑपरेशन में 10 ग्राम गांजा, 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एनसीबी मुंबई टीम ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर बानखेड़े के नेतृत्व में मुंबई में 5 ठिकानों पर रेड की थी। ये रेड ड्रग्स पैडलर्स और सप्लायर की धरपकड़ को लेकर की गई थी। इस रेड के बाद करीब 4 से 5 ड्रग्स पैडलर्स सप्लायर हिरासत में लिए गए। इस दौरान कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुआ, जिसमें गांजा, चरस, एक और ड्रग्स बरामद हुई है। साथ ही कैश भी बरामद किया गया है और गाड़ियां भी बरामद की गई थी। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।